नाजीन आपने रिपोर्ट मुलाहिजा फरमाई। अब हम इसी हवाले से बात करेंगे कि भारत के इंसानी हुकूक के दावों और अमल में जमीन आसमान का जो है वो फर्क है। इसकी सबसे वाज़ह मिसाल है मोअम्मर पाकिस्तानी शहरी प्रोफेसर खलील चिश्ती, जिन्हें एक नाम निहाद मुकदमे में फंसा कर वतन की सरजमीन से दूर कर दिया गया। 18 साल ये मुकदमा चलाया गया, जिसके बाद 81 साल प्रोफेसर को उम्र कैद की सजा सुना दी गई। इंसानी हुकूक की तंजीमों के आवाज उठाने के बावजूद भारतीय अदालत ने प्रोफेसर चिश्ती की रिहाई की अपील फिर मुस्तरद कर दी। इस मामले पर बात करने के लिए हमने आज कराची स्टूडियो में प्रोफेसर चिश्ती की बेटियों को दावत दी है। शुआ चिश्ती साहिबा हमारे साथ इस वक्त यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद है, और उनके साथ तशरीफ रखती है डॉक्टर तारिका चिश्ती साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आप दोनों ने हमारे लिए वक्त निकाला। अशोक, मैं आपसे ही इस हवाले से स्टार्ट करना चाहूँगी कि इस वाक़े के हम सबसे पहले तो जो है आपसे जानना चाहेंगे कि बैकग्राउंड के हवाले से। 92 में मेरे अब्बा डॉक्टर चिश्ती अपनी वालदा से मिलने के लिए अजमेर इंडिया गए थे, जहाँ पर हमारे चचा का किसी से झगड़ा हुआ और उसी झगड़े के नतीजे में उन लोगों ने हमारे एंसेस्ट्रल होम के ऊपर हमला किया था, जहाँ पर एक फायरिंग के वाक़े में उनकी तरफ का एक शख्स मारा गया था। जबकि मेरे वालिद साहब उस वक़्त नीचे हमारी दादी के पास थे। अच्छा। लेकिन जब FIR लिखवाई गई है तो उसमें सबसे वाज़े नाम डॉक्टर खलील चिश्ती का उन्होंने दिया था और सारी एलिगेशंस उनके ऊपर लगाई गई थी, जिसके नतीजे में वो बेसिकली शुरू में वो 20 डेज के लिए 20 दिन वो प्रिजन में रहे थे या थाने में आप कह लीजिए। उसके बाद वो पिछले 19 साल से बेल के ऊपर थे और उन्हें हर 15 डेज में 15 दिन बाद उन्हें जाके पुलिस स्टेशन में रिपोर्टिंग करानी पड़ती थी, और जो एक मुकदमा चल रहा था इस पूरे अरसे 19 साल उनका मुकदमा चलता रहा है, जिसमें उन्होंने किसी दिन भी अपनी पेशी जो है वो उन्होंने इग्नोर नहीं किया, हमेशा वो पहुँचे हैं पेशी के ऊपर। फिर 2008 में उन्हें हार्ट अटैक हुआ था और 2010 में वो गिर गए थे, जिससे उससे पहले उन्हें एक पैरालिसिस का अटैक भी हुआ था। अच्छा। 2010 में वो गिरे, जिससे उनका हिप बोन फ्रैक्चर हुआ। अच्छा। और उसके नतीजे में जब वो ऑपरेशन टेबल के ऊपर थे उसको ज्वाइन करने के लिए, तो उन्हें एक सेकेंड हार्ट अटैक हुआ था, जो वो फिर ऑपरेशन कैंसिल कर दिया गया था, और उसके बाद से वो मुस्तकिल व्हीलचेयर पर हैं और अपनी डेली नेसेसिटीज़ के लिए भी वो उन्हें असिस्टेंस की ज़रूरत है। और इस साल जनवरी 2011 में 31 जनवरी 2011 को उनके खिलाफ वर्डिक्ट आया था, जिसमें उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुई है, और जनवरी 31 से वो इस वक्त अजमेर जेल हॉस्पिटल के अंदर। अच्छा, आफ्टर ऑल दिस टाइम 19 इयर्स बाद इनका पहला वर्डिक्ट ही सुनाया गया है वो जनवरी 31 को। ये इससे पहले वो केस 2 साल तो बिल्कुल वालिद साहब जाते थे कोर्ट के अंदर, और 2 साल जो है उनसे मतलब किसी वकील ने या जज ने किसी ने उनसे कुछ मतलब सवाल जवाब या कुछ नहीं उनका नहीं हुआ। फिर हमने तकरीबन 3-4 साल पहले फास्ट कोर्ट ऑफ अजमेर में रिक्वेस्ट करी कि इस केस को जो है जल्दी ख़त्म करने के लिए फास्ट कोर्ट ऑफ अजमेर के अंदर फिर ये गया है फास्ट ट्रैक के अंदर, और उसके नतीजे में फिर 31 जनवरी को ये वर्डिक्ट आया। अच्छा शुआ, लेकिन वाज देयर नॉट एनीवन जिसने प्रोफेसर साहब के फेवर में वहाँ पर गवाही दी हो कि नहीं उनका कोई कसूर नहीं है? जिस वक्त ये हादसा हुआ था और जो पेपर्स मैंने पढ़े हैं उसमें एक पुलिस कांस्टेबल था, गालबन उसका नाम हीरा सिंह था, उसने ये गवाही दी थी कि डॉक्टर खलील चिश्ती उस वक्त छत पे मौजूद नहीं थे जहाँ पे ये इंसिडेंट्स हुआ है। प्लस एक जो अदर पार्टी थी उसके भी एक शख्स ने ये गवाही दी थी, मैं उनका नाम भूल रही हूँ, कि उस वक्त डॉक्टर चिश्ती मौजूद नहीं थे, लेकिन क्योंकि बाकी सब ने उनके अगेंस्ट गवाही दी थी जितने भी लोग हमलावर थे, इस वजह से जो है डॉक्टर चिश्ती का FIR में नाम था। अच्छा। और इवन जो एक जो इंस्पेक्टर थे उस वक्त, उन्होंने भी पुलिस स्टेशन में उनसे यही कहा था कि आपके लिए यही बेहतर है कि आप इन ब्लैंक पेपर्स पे साइन कर दीजिए। अच्छा। वरना आपकी फैमिली को, जो भी वहाँ पे फैमिली है, उसके लिए प्रॉब्लम्स होंगे। अच्छा, मैं यही आप लोग से पूछना चाहूँगी कि इस 19 इयर्स तक के अरसे में अंसार बर्नी साहब जो हैं वो काफ़ी ह्यूमन राइट्स के लिए काफ़ी एक्टिव हैं, काफ़ी जो है इशूज़ पे, इस तरह के मसाइल पर जो है आवाज़ उठा रहे होते हैं, उन्होंने किस हद तक जो है आप लोग को एक तो यकीन दहानियाँ भी करें इस पूरे उसमें जो है उनके किस हद तक उन्होंने मेजर्स लिए हैं या यहाँ पर हुकूमती सतह पे या हायर अप्स में जो है कंसल्ट किया गया है, और इस पूरे अरसे में क्या क्या पेशरफ्त इनकी जानिब से भी करी गई है?
अंसार बनी आपके पास इनिशियली मेरी वालदा और बहन जब गई थी तो उन्होंने इस मैटर को देखा था, 3-4 साल तक वो करते रहे और इन कॉन्टेक्ट भी रहे गालबन एम्बेसी से इंडिया में, लेकिन फिर आखिर में यही उनका भी कहना था कि क्योंकि ये केस अभी अदालत में चल रहा है तो हम इसमें फर्दर कोई हेल्प नहीं कर सकते। लेकिन अच्छा। इस साल उन्होंने अभी जो हम इंडिया गए थे तो ये उन्हीं ने हमें वीज़ा दिलवाया था, उन्हीं अच्छा। की वजह से हमें वीजा मिला जी। अच्छा exactly. अच्छा, मैं ह्यूमन राइट्स वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, अंसार बनी साहब के ह्यूमन राइट्स काउंटर पार्ट भी हैं, मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगी कि आप लोग ने अप्रोच किया, लेकिन उससे पहले तारिका साहब मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी, इसी हवाले से मैं मजीद भी ये पूछूंगी कि प्रोफेसर साहब के अगर हम बारे में कहें, हमारी आवाम ये जानती है, सब आई एम श्योर ये जानते हैं कि प्रोफेसर चिश्ती साहब जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ कराची के पहले वायरोलॉजिस्ट थे, आज को उनके स्टूडेंट्स भी जो है वो प्रोफेसर बन चुके हैं, तो ये एक इतना लंबा और एक इंसान की जिंदगी का इतना आपने एक पूरा इतना बड़ा अरसा जो है वो किस उसमें उनकी जिंदगी को जो है अपसाइड डाउन कर दिए, उनकी हम कंडीशन के हवाले से ही हम बात करते हैं, वो अभी जेल हॉस्पिटल में वहां पर हैं, उनकी कंडीशन जो है इस वक्त कैसी है, मेंशन भी किया आपने कि उनको पैरालिसिस जो है और उनको हार्ट अटैक भी हुआ था, तो अभी कैसी उनकी कंडीशन है वहां पर? फिलहाल उन्होंने गोलियां दवाइयां वगैरह दे दिला के उनके डॉक्टर्स ने उनको स्टेबल किया हुआ। अच्छा, लेकिन ये है कि अब जाहिर है बूढ़ा शख्स है, कभी कभी वो सीनाइल उसमें लैप्सेज होती हैं, मेमोरी लैप्स हो जाती हैं उनकी बातें करते हुए, इन लोगों ने जो मुझे बताया मैंने उससे इंटरप्रेट किया, जाहिर है मैं अभी तो नहीं गई हूँ। अच्छा। लेकिन ये कि जिस वक्त उनका फ्रैक्चर हुआ था उसके बाद फिर मैं गई थी, तो उसको मतलब ये कि फ्रैक्चर को थोड़ा बहुत ठीक करने की दोबारा से कोशिश भी की गई, लेकिन ये कि वो मतलब ये कि कोई फीसिबल नहीं थी, तो उसके बाद फिर हम ही लोग जब वहाँ थे तो हमने उनको वॉकर पे चलना सिखाया था थोड़ा बहुत। अच्छा। कि जी अब आप इस तरीके से चलिएगा, तो उसी पे वो अभी भी उनको अब मतलब शुरू में तो उनको ना वॉकर प्रोवाइड की गई थी वहाँ पे जेल में, ना उन्हें व्हील चेयर वगैरह प्रोवाइड की गई थी, लेकिन ये कि अभी जो ह्यूमन राइट्स के लोग जाते आते रहे इंडिया के अंदर के लोग, तो उन्होंने अब कम अज़ कम उनके डॉक्टर्स वगैरह जो हैं वो थोड़ी सी सिंपैथी दिखाते हैं। अच्छा। थोड़ा सा मतलब ये कि यार एक पढ़ा लिखा बंदा है। अच्छा। तो इस वजह से उनके लिए थोड़ा सा थोड़ी सी फेवर्स भी करते हैं वो, इसमें कोई शक नहीं है। डॉक्टर तारिका चिश्ती एंड अशोक चिश्ती, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू हियर, एंड हम रियली हम होप करते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर चिश्ती जो है वो जल्द अज जल्द वतन वापस लौटे और इन गुड हेल्थ जो है वो वतन वापस लौटे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम दोबारा हाजिर होंगे तो कुछ मजीद इश्यूज के हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ रहिए।